आज हम बनाएंगे मसाला पाव, और मसाला पाव की जो मेन जान है वो उसका मसाला नहीं है, पाव है, यानी कि पाव ब्रेड। ये जो मसाला पाव है स्पेशली मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र में या गुजरात में जब आप जाएंगे आपको डेफिनेटली स्ट्रीट फूड का एक हिस्से की तरह मिलेगा। सो इट्स अ क्विक स्नैक एंड एक्सट्रीमली टेस्टी। तो चलिए बनाते हैं मसाला पाव। नाउ मसाला पाव के लिए सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूंगा एक रेड चिली पेस्ट, और ये जो रेड चिली पेस्ट है ये बनेगी इस मिर्ची से जिसे मैंने एक घंटे के लिए पानी में सोक किया हुआ था। मैं डालूंगा 4-5, ज़्यादा नहीं। इसमें थोड़ा सा लहसुन, ज़रा सी अदरक, थोड़ा सा गरम मसाला, इसमें जाएगा ज़रा सा पानी, और इसे अब हम ग्राइंड करेंगे। ये तैयार है। मस्त, डोंट डू दैट एट होम, क्योंकि एकदम से मिर्ची ना नाक में चढ़ती है, मेरी तो गंदी आते हैं ना। पाव हमारे पास है और मसाला बनाना है, हमें चाहिए उसके लिए बटर। यू नो कमाल की बात यह है कि सिर्फ टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च से ही इसका मसाला बन जाता है, सब्जी नहीं डालते कोई ना। प्याज को भूनना है इतना कि मतलब ब्राउन ना हो, हल्का कच्चापन उसका निकल जाए। इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च स्वाद अनुसार। देखिए क्योंकि हमने जब ये चिली पेस्ट बनाई थी इसमें अदरक और लहसुन डाल दिया था, इसलिए हम अलग से नहीं डाल रहे। अगर आपके पास साबुत मिर्च नहीं है आप कश्मीरी चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कश्मीरी चिली पाउडर इसमें डालेंगे तो इसमें चॉप जिंजर, चॉप गार्लिक प्याज के साथ आप भून सकते हैं। इसमें जाएगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाव भाजी मसाला, ये है जीरे का पाउडर और ये थोड़ा धनिया का पाउडर, साथ ही साथ इसमें थोड़ा नमक, और मसालों को थोड़ा सा हम भून लेंगे। अरे वाह, दैट पाव भाजी मसाला, हल्की सी हीट उसको लगी, उसकी जो खुशबू निकल रही है ना इस वक्त, वाह, प्याज में जान डाल दी। अब हमने जो पेस्ट बनाई थी उसके 2 बड़े चम्मच हम डालेंगे। नाउ मिर्ची है, खुले तवे पर पक रही है, अब खांसी निकलना लाजमी है, इसलिए थोड़ा सा दूर, एग्जॉस्ट फैन किचन का ऑन, वरना सबकी बुरी हालत हो जाएगी। अब ये बात कोई बताएगा नहीं आपको, मैंने बता दी है क्योंकि हमें दोस्त की मदद नहीं करेगा, देखा चीका मेरा क्रू, दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। ऑलराइट, इसमें अब हम डालेंगे टमाटर चॉप किया हुआ, उसे भी हम अच्छे से अब पका लेंगे, और इसे आपको हल्के हाथ से मैश भी करना है। और आज एक्स्ट्रा शॉट्स में मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ पाव, क्या पाव हिंदुस्तानी है या ये बाहर वालों की देन है। आप चाहें तो पोटैटो मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो परफेक्टली वर्क। ऐसा करने से टमाटर भी जल्दी पकेगा, प्लस जो मसाला भी होगा वो तो थोड़ा सा उसमें थिकनेस आएगी, लबाब जिसे कहते हैं। यू कैन सी कैसे ये मशी सा हो गया। एट दिस स्टेज इसमें जाएगा कैप्सिकम, कैप्सिकम का अपना जो फ्लेवर है वो एक अच्छी जान डाल देता है, थोड़ा सा नमक, इसके अंदर थोड़ा सा नींबू, नींबू का रस ऑप्शनल है, बट होता क्या है क्योंकि इसके अंदर मसाले तेज हैं तो कभी कभार उनका कड़वापन होता है उसे बैलेंस कर देता है। अगर आपका टमाटर खट्टा है, काफ़ी खट्टा है, जो कि अक्सर गर्मियों में ही आते हैं खट्टे टमाटर, तो फिर नींबू की ज़रूरत नहीं है ना। गैस को करेंगे धीमे, मसाले को रखेंगे एक तरफ, अब चलते हैं पाव की तरफ। हमारी ये पाव, इसे हम यूं काट लेंगे, और ज़रा सा मक्खन इस तरफ पाव सेकने के लिए, और हाँ तवे को पोंछना नहीं है। ये पाव बस इसी तरीके से साइड में सिकती रहेगी, इसको अच्छे से यूं घुमाना है हमें। एंड यू सी वो जो खुरचन है जिसके अंदर असली टेस्ट होता है वो ये पाव मॉप अप कर लेगी। अब हम लेंगे थोड़ा धनिया, धनिया जाएगा इसके ऊपर, पाव को घुमाएंगे और ये मसाला जाएगा पाव के ऊपर, हमारा ये इसके ऊपर, और एक बार इसे अच्छे से हम दबा देंगे। आप चाहें तो थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला भी इसके ऊपर लगा सकते हैं इस तरीके से, और इसे जरा सी देर सेकना है। आहा, लुक एट दैट नाइस लिटिल ब्राइट थिंग। मसाला पाव को बनाने के लिए चंद टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप
उसे हर दफ़ा टेस्टी बना सकते हैं। देखिए, जब भी मसाला पाव आप बनाते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि आप उसके अंदर एक्स्ट्रा सब्जियां भी डाल सकते हैं। एट द सेम टाइम, अगर आपको चीज़ पसंद है तो उस मसाले के अंदर आप चीज़ भी भर सकते हैं। और पाव जो है उसको अगर आप घर पर ही बेक करते हैं तो उसके अंदर आप अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स को भी ऐड कर सकते हैं। पाव भाजी मसाला इज द की टू दिस मसाला, मतलब पाव भाजी मसाला आप घर पे बनाएं या बाजार से बना बनाया भी खरीद सकते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तवे पर सब्जियों को भूनते वक्त ध्यान रहे कि वो ओवर कुक ना हो या फिर ब्राउन ना हो। हमें प्याज और टमाटर और कैप्सिकम को कच्चा कच्चा रखना है। और हाँ, पोटैटो मैशर बहुत ही बढ़िया इक्विपमेंट है, आप उसको डेफिनेटली इस्तेमाल करिए ताकि सब्जियाँ थोड़ी सी मैश हो जाए। और हाँ, थोड़ा सा, ज़रा सा अगर आपको आलू डालना है उबला हुआ तो वो भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, गारंटी मेरी। और हमारा मसाला पाव डन, मसाला पाव तैयार है। अब चलिए जानते हैं पाव यानी पाव की हिस्ट्री के बारे में, जो इतनी ही मसालेदार है जितना कि ये मसाला पाव। पाव या फिर पाव एक सिंपल सी ब्रेड है जिसे लाडी पाव या लाडी पाव भी बोलते हैं। कमाल की बात यह है कि जो हिंदुस्तान के अंदर एक लंबे समय तक हम लोग फ्लैट ब्रेड्स खाते थे, जैसे कि रोटी, परांठा, चपाती, हमारी ये फर्मेंटेड ब्रेड्स नहीं होती थी जहाँ पर फर्मेंटेशन इतनी हो कि वो इतनी डबल ट्रिपल राइज हो जाए। तो हुआ क्या जी साहब के पोर्चुगीज़ आए, और पोर्चुगीज़ जब आए उन्होंने गोवा के अंदर अपना ट्रेड सेटअप किया, डाउन साउथ भी उन्होंने जो एरियाज कैप्चर किए वो यहाँ पर रहने लगे। जब रहने लगे तो उनको अपने घर की सॉफ्ट ब्रेड वो मिस कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि चलिए ब्रेड बनाते हैं। और तभी इजाद हुई या तभी बननी शुरू हुई हिंदुस्तान में पाव, जहाँ पर यीस्ट का इस्तेमाल होता था, खमीर डलता था। उस वक्त तो यीस्ट शायद नहीं मिलता होगा तो खमीर डाला जाता था। और जो कहते हैं कि लोकल लोग थे इंडियंस, वो हैरान हो गए, अरे यार ये तो बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड है, ये कौन सी अजब सी ब्रेड है। और लोकल्स जो थे, स्पेशली लोकल गोवंस, उन्होंने इस ब्रेड मेकिंग के आर्ट को सीखा। और समय के चलते वो लोग जब बॉम्बे की तरफ या महाराष्ट्र की तरफ गए तो वहाँ पर उन्होंने पाव बेचना शुरू किया। और हाँ, ये भी कहा जाता है जो ब्रिटिशर्स थे वो बड़े नाखुश हो गए कि यार ये पोर्चुगीज ने अपनी ब्रेड निकाल ली, हम भी अपनी ब्रेड निकालेंगे। तो उन्होंने ब्रेड लोफ निकालने शुरू किए। आपको ध्यान होगा ब्रेड को हिंदी में हम क्या कहते हैं, ब्रेड नहीं कहते, डबल रोटी कहते हैं। कभी सोचा डबल रोटी क्यों? क्योंकि जब इंग्लिश स्टाइल से ब्रेड बनी तो जब वो फर्मेंट हुई और पकी, उसके बाद वो जो आटा इतना था वो फूल के डबल हो गया। तो जो लोकल लोग थे वो बोलते थे, अरे यार ये रोटी तो इतनी फूल के डबल ही हो गई, डबल रोटी। सो ये थी हमारी हम्बल पाव, और अब तो उसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस। इफ यू हैव कमेंट्स टू मेंशन इन द कमेंट्स बिलो, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब, लाइक एंड शो मी सम लव।